उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन और प्रबंधन के लिए एकीकृत स्पोर्ट्स पोर्टल और ऐप डेवलप कर दी गई है। इसके साथ स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट भी स्थापित की जाएगी। यह निर्णय खेलों के आयोजन से संबंधित उच्चाधिकार समिति की हुई पिछली दिनों बैठक में लिया गया। प्रतियोगिताएं देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, टिहरी और पिथौरागढ़ में होनी है, जहां आयोजन स्थलों, स्टेडियम व खेल परिसरों के आसपास की सड़कों के नेटवर्क को मजबूत करने के लिए लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर को नोडल अधिकारी नियुक्त करने निर्देश दिए गए। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राष्ट्रीय खेल में हिस्सा लेने जा रहे प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर के आयोजन किया जाएगा। खेलों के आयोजन के बीच सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन, नेशनल गेम्स के संबंध में प्रचार प्रसार व जन जागरूकता के लिए भी नोडल अधिकारी नामित किए जा रहे हैं। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, राष्ट्रीय खेल हम लोग जो उम्मीद कर रहे हैं कि 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के मध्य में, जिसको लेकर विभाग लगातार प्रयासरत है, केंद्रीय खेल मंत्री जी से भी हमने अनुरोध किया है, इसके साथ ही भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा से भी इसका आग्रह किया है कि जल्द से जल्द इसकी तिथि घोषित होते हुए संभावित समय में जो है इसको कराया जाना जो है वह सुनिश्चित किया जाए। और विभाग ने जो उसकी संदर्भ में सारे साधन संसाधन, जो कि हमारे 34 गेम होने हैं, जो मैंडेटरी गेम है, उसकी पूरी तैयारी जो हम लोगों ने कर ली है, उसके परिप्रेक्ष्य में मैं स्वयं खेल मंत्री जी को भी इसकी सूचना और पत्राचार कर चुकी हूँ। भारतीय ओलंपिक संघ के साथ में भी इसका पत्राचार किया जा चुका है और मैं बहुत जल्द दिल्ली जाते हुए निश्चित रूप से उसकी तिथि के लिए पुनः आग्रह करने के लिए जा भी रही हूँ। तो मेरा मानना है कि राष्ट्रीय खेलों को लेकर सरकार, विभाग, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में हमारी संपूर्ण तैयारियां हैं। अब बात आती है प्रबंधन की। निश्चित रूप से राष्ट्रीय खेल एक विभाग का योजना नहीं है, राष्ट्रीय खेल मैं समझती हूँ पूरे प्रदेश का विषय है। इसमें जिन जिन विभागों की सहभागिता बनती होगी, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन विभागों को साथ में सहयोग के रूप में काम करने के निर्देश दिए हैं। उसकी प्रबंधन समिति बनाना अथवा हाई पावर कमेटी का गठन होना, ये सारी चीजें पूर्व में की जा चुकी हैं। पोर्टल इत्यादि का निश्चित रूप से थोड़ा सा काम करने में सरलीकृत हो सके, पोर्टल इत्यादि की भी व्यवस्था जो है उसके लिए भी काम किया जा रहा है। मेरा मानना है कि राष्ट्रीय खेल हमारे पहाड़ी जनपद, चाहे वो हमारे नैनीताल में हो, चाहे हमारे पिथौरागढ़ में हो, चाहे हमारे उधम सिंह नगर में हो, चाहे हमारे हरिद्वार में हो, हमारे देहरादून में हो, या हमारे टिहरी में भी हो, जहाँ पर हम लेक में बहुत सारी एक्टिविटीज हमारी होने को हैं, तो वो सारी चीजें जो हैं, जहाँ जहाँ जो जो एक्टिविटीज खेल के रिगार्डिंग होंगी, वो सारी एक्टिविटीज को बताते हुए भारत सरकार को हम लोगों ने अपनी बात भेज भी दी है, भारत सरकार को हमने अपने प्रस्ताव भेज भी दिए हैं, चाहे किसी प्रकार से भारतीय ओलंपिक संघ को भी भेज दिए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये 7-8 जगहों में जहाँ जहाँ हमारे एक्टिविटीज होने हैं, उसके लिए उचित प्रबंधन को लेकर चीफ सेक्रेटरी अपने सर से एक बैठक भी कर चुकी हैं और स्वाभाविक रूप से उस बैठक का निश्चित रूप से आयोजन में बहुत हम सबको फायदा मिलेगा।